हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी से अपने एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चंस को जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है और इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। तो यानी कि कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसमें, वेरियस एनर्जी, एक एनर्जी की बात नहीं की गई, वेरियस एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है कि जब आप साइकिल को क्या करते हैं, राइड करते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो ही एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें क्या होती है, हमारी लेग्स का यूज़ होता है। लेग क्या करते हैं, मस्कुलर, यानी कि उसमें मसल्स जो है मस्कुलर एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जो मस्कुलर एनर्जी है उससे जब आप लोग पैडल को ढकेलते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्टेड होती है, मस्कुलर एनर्जी से हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसमें कन्वर्टेड होती है। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कन्वर्टेड हो गई। और दूसरा केस ये बनता है कि जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है उससे जब पोटेंशियल एनर्जी बनी तो आप देखेंगे जब पैडल क्या हुआ, पुश किया गया, यानी कि कुछ उस पर फोर्स लगा, मास, ग्रेविटी और ये सारी बातें, कुछ हाइट थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसको पुश किया गया तो वो ढकेलाया, पैडल ढकेला गया। तो उस केस में क्या हुआ, साइकिल आपकी आगे बढ़ती है। जब साइकिल आगे बढ़ती है तो वहाँ पर हमारी कौन सी एनर्जी अप्लाई हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मोशन। जब उसमें क्या हो गया, साइकिल में मोशन आ गया, यानी कि कुछ न कुछ उसकी वेलोसिटी थी, कुछ न कुछ उसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी हमारी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मस्कुलर एनर्जी से इसमें दो दो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहली एनर्जी कौन सी थी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी, और सेकेंड एनर्जी कौन सी थी हमारी, काइनेटिक एनर्जी।